We are continuing this video of dysphagia from Harrison. The musculature of the oral cavity, pharynx, upper esophageal sphincter and cervical esophagus is striated and directly innervated by lower motor neurons carried by the cranial nerves. Oral cavity muscles जो हैं वो innervated हैं 5th और 7th cranial nerve से, trigeminal और facial nerve से, और जो tongue है उसको इनर्वेट कर रखा है 12th क्रेनियल नर्व ने, दैट इज़ हाइपोग्लॉसल क्रेनियल नर्व. आई होप यू गाइज आर फॉलोइंग विद मी एंड मार्किंग योर बुक्स साथ साथ में. फेरेंजियल मसल्स आर इनर्वेटेड बाय 9th ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व एंड 10th दैट इज़ वेगस नर्व. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तुम्हारी जो ओरल कैविटी है उसको कौन इनर्वेट कर रहा है? 5th क्रेनियल नर्व. फेशियल को कौन इनर्वेट कर रहा है? 7th क्रेनियल फेशियल. टंग को कौन इनर्वेट कर रहा है? 12th. और फेरिंग्स को कौन इनर्वेट कर रहा है? 9th और 10th. फिजियोलॉजिकली क्या है? अपर इसोफेगस स्फिंक्टर में क्या क्या है? क्रिकोफेरेंजियस मसल है, द एडजेसेंट इन्फीरियर फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर एंड द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द सर्वाइकल इसोफेगस. अपर इसोफेगस स्फिंक्टर इनर्वेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम द वेगस नर्व, वेयर एज द इनर्वेशन ऑफ द मस्कुलेचर एक्टिंग ऑन द अपर इसोफेगस स्फिंक्टर टू फैसिलिटेट इट्स ओपनिंग ड्यूरिंग स्वेलोइंग ड्यूरिंग कम्स फ्रॉम द 5th 7th एंड 12th क्रेनियल नर्व्स. अपर इसोफेगस स्फिंक्टर रिमेन्स क्लोज्ड एट रेस्ट ओनिंग टू बोथ इट्स इनहेरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज. वो रेस्ट क्लोज होकर रेस्ट पे जाता है एंड न्यूरोलॉजिकली मीडिएटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्रिकोफेरेंजियस मसल. अपर इसोफेगस ओपनिंग ड्यूरिंग स्वेलोइंग इन्वॉल्व्स बोथ सीजेशन ऑफ द वेगल एक्साइटेशन टू द क्रिकोफेरेंजियस एंड साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सुप्रा हायोइड एंड जीनो हायोइड मसल दैट पुल्स द अपर इसोफेगस स्फिंक्टर इन कंजक्शन विद द अपवर्ड एंड फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लैरिंग्स. ठीक है, अब क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर अपरेटस जो है फॉर पेरिस्टाल्सिस इज डिस्टिंक्ट इन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल पार्ट्स ऑफ द इसोफेगस. जो सर्वाइकल इसोफेगस है लाइक द फेरिंजियल मस्कुलेचर कंसिस्ट ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स एंड इट इज डायरेक्टली इनर्वेटेड बाय द लोअर मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द वेगस नर्व. पेरिस्टाल्सिस इन द प्रॉक्सिमल इसोफेगस इज गवर्नड बाय sequential activation of the vagal motor neurons in the nucleus ambiguus. In contrast, the distal esophagus and lower esophageal sphincter are composed of smooth muscles and controlled by excitatory and inhibitory neurons within the esophageal mesenteric plexus. Medullary preganglionic neurons from the dorsal motor nucleus of vagus triggers peristalsis via these ganglionic neurons during primary peristalsis. जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं ऑफ द एक्साइटेटरी गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स वो कौन कौन है? न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन और सब्सटेंस पी. दोज ऑफ विच इनहिबिटरी न्यूरॉन्स कौन है? वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड और नाइट्रिक ऑक्साइड. पेरिस्टाल्सिस रिजल्ट्स फ्रॉम द पैटर्नड एक्टिवेशन ऑफ द इनहिबिटरी फॉलोड बाय द एक्साइटेटरी गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स विथ प्रोग्रेसिव डोमिनेंस ऑफ द इनहिबिटरी न्यूरॉन्स डिस्टली. सिमिलरली क्या होता है? जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर है उसकी रिलैक्सेशन होती है विच अकर्स विद द ऑनसेट ऑफ द डेग्लिटेशन इनहिबिशन एंड परसिस्ट अंटिल द पेरिस्टाल्टिक सीक्वेंस इज कम्प्लीट. जब रेस्ट पे होता है इसोफेगस तो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्साइटेटरी गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन होती है. इंट्रिंसिक मायोटोनिक मायोजेनिक टोन होती है, मतलब मसल की टोन होती है, अ प्रॉपर्टी दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द एडजेसेंट इसोफेगस. जो फंक्शन है लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर का दैट इज सप्लीमेंटेड बाय सराउंडिंग मसल ऑफ राइट डायफ्राग्मेटिक रस जो एक्ट करता है एज एक्सटर्नल स्फिंक्टर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कफ एंड एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग. तो ये बहुत छोटा फॉर्म में स्वेलोइंग का पूरा फिजियोलॉजी दिया हुआ है कि कौन सा स्फिंक्टर रिलैक्स करता है, कब करता है, कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं एंड एवरी थिंग. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द pathophysiology of dysphagia, which will be completed in the next video.